चुन्नू लाल पटेल पीरदा। मैं सबसे पहले जनसंघ में काम कर चुका हूँ, भाजपा पार्टी में काम कर चुका हूँ, विश्व हिंदू परिषद में काम कर चुका हूँ, आरएसएस का खंड संचालक 15 साल से रह चुका हूँ। क्या लगता है आपको आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? जहाँ तक मेरे उम्मीद है कि भाजपा का बनेगा, प्रधानमंत्री के रहते, नरेंद्र मोदी के रहते। अब ये जिस दिन निकल जाएंगे, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं बोल रहा हूँ, रूप कुमारी का मैं बहुत प्रचार किया था, घर घर जाके प्रचार किया था कि इनको वोट दो, जीत गए। तो यहाँ पे कचरा था इतना ढेर सारा, इतना तो छत्तीसगढ़ी में बोला रूप कुमारी को, चल तो वो देखन जाबो, कहाँ जाबोगा, चल तो ही करे जाबो, तल बतानेगा, कचरा देखन जाबो, मैं कचरा देखूँगी, मैं कचरा देखने वाली हूँ। मैं चुप रह गया। टीटू सेठ उसको खूब डांटा, अरे कचरा नहीं देखे तो क्या करेगी तू, ऐसा किस, इतना डांटा। तो संसद से चंदूलाल से शिकायत किया कि चुन्नूलाल आओ। तो जहाँ तक नरेंद्र मोदी का ज़माना है, सफाई पानी आदि हर चीज़ जनता के लिए, तो मेरे को उम्मीद है कि भाजपा की सरकार, कांग्रेस सरकार जो है किसानों को 2800 रुपए देने की बात कर रही है, क्या वो मुद्दा वो क्या है? अभी 15 क्विंटल के जगह मैं 20 क्विंटल दूंगा, घोषणा कर दिया है। कर्नाटक जैसे अब कई घोषणा कर देगा तो जीत सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी जो स्थिति है, भाजपा का आना चाहिए। मैं उतना तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी स्थिति देखते हुए ये दारू और ये मकान, पीड़ता में कई मकान हैं अधूरा के अधूरा, जैसे का तैसा कई मकान, प्रधानमंत्री आवास बना है, कई तो 4 साल में टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, इनका बहुत दुर्गति हो गया। यहाँ कैसा दिख रहा है देखो, मैं संघ का हूँ, इसका भी सफाई करता था, लेटरिन रूम में सफाई किया हूँ, कचरा ये गायत्री दीक्षा जो गायत्री मंदिर के साथ में, ऐसा गंदा नहीं रहता। अपना ज़्यादा डिंग हकूँगा, अपना बड़ाई करूँगा, गलत है। अपना मुख में बड़ाई जो करेगा वो नीच है, सबसे नीच है। 4 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही अभी प्रदेश में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये कांग्रेस सरकार तो ठीक, लेकिन जितना प्रधानमंत्री आवास बना, एक भी अभी उनका, अभी मैं रेडियो, अभी तक रेडियो न्यूज़ सुनता हूँ, तो 3-4 दिन के पहले कितना हज़ार करोड़ ये अभी भेजे हैं, 5 साल अब होने वाला है, इतना दिन से वो कहाँ पैसा रखे थे वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कुछ दिन पहले कितना करोड़, थोड़ा भूल गया, इतना करोड़ अब ये के खातों में भेज देता हूँ, ऐसे बोले। तो अभी बरसात लग गया, क्या बनाएंगे, तो पहले भेज दिए होते तो बन गया होता। जैसे दारू, आज दारू कांग्रेस के ज़माने में दारू बहुत चल रहा है, नहीं तो दारू अब आदिवासियों का ये है रोक ब्रेक, उनको काम से कई ठो अभी तालाब गहराईकरण आदि आदि कई ठो दारू पी के सो जाते हैं। पिछले समय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की ज़्यादा लीड थी आप पीड़ा? पहले तो भाजपा का था, लेकिन कई ये लोग ये किए कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, इतना धान लेंगे, ऐसा ये करेंगे, बहुत जैसे अभी कर्नाटक में 5-6 हो ये किए हैं, तो कर्नाटक में जीत गया कांग्रेस, तो इसने घोषणा के ताकत से जीत गया कांग्रेस, नहीं तो कांग्रेस नहीं जीतता। अच्छा, वर्तमान विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? अभी विधानसभा में क्या क्या, उतना तो मैं अनुभवी नहीं हूँ,
लेकिन जनताओं का मुद्दा क्या रहेगा? जनता तो अब चाहे तो भाजपा को देंगे, क्योंकि अभी 5 किलो चावल निःशुल्क, प्रधानमंत्री आवास, गहराईकरण तालाब, रोड, अभी जितना रोड बन रहा है केंद्र सरकार का, पहले से तो पहले वो सिंगल रोड, अभी आप झगरिंडी जा पाओगे तो बस और साइकिल में चलाऊंगा, बस आप चलाओगे तो मैं आपसे आगे हो जाऊंगा जी। मतलब जमीनी विकास अच्छा हो रहा है केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का हर चीज़, जितना अभी अभी रोड बन रहा है केंद्र सरकार का, एकदम कोना से कोना में देखो। बसना क्षेत्र में कैसा विधायक चाहिए आपको? मेरे को संपत अग्रवाल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ अयोध्या में राम मंदिर के विषय में जेल था, उसके साथ में मैं भी जाने वाला था, तो दो चार आदमी बोले कि एक साथ इनको आने दो, उनके साथ में कई आदमी बसना से गए थे, मैं भी जाने वाला था उन्हीं के साथ में, तो बोले कि आप थोड़े पीछे जाना, तो ये कुछ दिन वहाँ जेल में थे। और विश्व हिंदू परिषद RSS भाजपा का बहुत काम कर चुके हैं संपत अग्रवाल, और अभी उनको टिकट नहीं मिलने से ये नीलांचल पार्टी, लेकिन वो यदि टिकट मिलते ही और वो जितना खर्चा करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी के बहुत अनुसरण करते हैं। अभी कुछ गर्मी में बसना में जो भागवत हुआ, इस क्षेत्र में अभी कोई वैसे किए नहीं थे, सुने नहीं थे हम लोग, उतना खर्चा किया संपत अग्रवाल। क्षेत्र के लोगों के लिए और क्या क्या कर रहे हैं संपत अग्रवाल? संपत अग्रवाल अभी निःशुल्क रोग निदान, मतलब एम्बुलेंस और कई इलाज जो करवाते हैं, जाओ मेरे नाम ले लेना, वो जितना भी रायपुर भेज देते हैं, कोई खर्चा नहीं, वहाँ रायपुर में जितना खर्चा होता है ये सब सिफारिश करते हैं। और किसी कर्मचारी को भी तहसीलदार, कलेक्टर या किसी से काम पड़ता है तो किसी आदमी बोलते हैं तो उनका सिफारिश कर देते हैं कि इनका काम कर देना। मेरा नाम लखपति नायक है, मैं ग्राम पिरदा के रहने वाला हूँ। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो अभी संपत भैया जो काम कर रहे हैं, मैंने तो नाम सुना था, देखा नहीं था, क्योंकि नौकरी कर रहा था, अभी अभी आया हूँ। संपत का काम को मैंने देखा है, अभी वर्तमान में भागवत किए जिसमें 25 लाख हजार आदमी लेडीज़ लोग का कहते हैं कलश यात्रा किए, उसका सेवा किया, और उन्हें ऐसा काम कर रहे हैं कि गांव-गांव में किसी को बीमारी है, किसी को कुछ है, तो उनके पास जा रहे हैं तो सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग करते हुए यहां से लेकर रायपुर तक भी उसका व्यवस्था करते हैं। मैं तो ऐसा सपना में नहीं सोचता था कि ऐसे नेता भी होते हैं, लेकिन आज मैंने ये देखा संपत भैया का इतना अच्छे काम कर रहे हैं कि इसमें सीमा नहीं है। और जो मोदी जी हैं, आज कम से कम 50 साल, मेरे को 65 साल हो चुका, मैंने देखा नहीं था रोड जो है ऐसे मोदी जी ने रोड बनाया जो हम दूसरे गांव को भी पहुंच सकते हैं। तो मान में आपके गांव में क्या क्या समस्या है? सर गांव में क्या समस्या है, देखिए हम तो एक तो एक हमने 3 साल पहले दिया था कि ये भट्टी को हटाओ, आम सभा हुआ था पिरदा में, लेकिन 3 साल से कुछ नहीं हुआ, भट्टी वहीं के वहीं है। भट्टी चनार से लेकर बसना तक, चनार से लेकर बसना तक जो है क्या कहते हैं आना जाना होता है, कॉलेज है, क्या कहते हैं ये बाज़ार बढ़ती है, बाज़ार बढ़ रहा है, और स्कूल है, धर्मशाला भी है, लड़कों का आदिवासी का छात्रावास है। और हम ये नहीं कहते हैं कि शासन को यहाँ से हटाओ करके, हम ये कहते हैं भट्टी बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम हमारे गांव से दूरी में ये भट्टी को रखें,
और जो जानते हैं आजू बाजू में 25-30 घर जो है, 30 घर जो है क्या कहते हैं फैमिली लेके रखे हैं, जिसका फैमिली रहता है वो जानता है क्या दर्द होता है। मैं शिशुपाल प्रधान ग्राम पिरदा से, और फिलहाल अभी नीलांचल सेवा समिति में पिरदा से सेक्टर का सह प्रभारी बन के बैठता हूँ। तो अभी नीलांचल सेवा समिति इस गांव में ऐसा क्या क्या कार्य कर रही है? अभी देखिए हम लोग अभी जन आशीर्वाद यात्रा में निकले हुए हैं। कल हमने पथला सेक्टर समाप्त किया, उसके बाद अभी आने वाले समय में गढ़फुलझर चल रहा है। अभी जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि संपद अग्रवाल जी के तत्वाधान में ऐसा कोई काम नहीं है जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनसे जुड़ के हम लोग को ये फील हुआ कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके साथ जुड़ के हम नर सेवा नारायण सेवा हम भी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे? अभी हम जैसे गांव वाइज दौरा कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जन सैलाब पूरा उमड़ चुका है अभी तक। तो जैसे कि आपके गांव में आप पिरदा के हैं, तो आपने अभी तक नीलांचल सेवा समिति में कितने सदस्य जोड़े हैं? हमने यहां से हमारे सेक्टर में हमने लगभग 12,000 सदस्य जोड़ चुके हैं। और यहां पे टोटल वोटर कितने हैं? यहां टोटल उतना जानकारी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिलहाल मैं उसको भी जानकारी मैं लेना चाहूँगा मैं ज़रूर। लेकिन फिर भी हमने पिरदा सेक्टर में जो 24 गांव है हमारे, उसमें 12,000 सदस्य दे चुके हैं हम लोग संगठित करके। यहाँ की जनता भाजपा नेता संपत अग्रवाल को कैसे पसंद कर दी, किन मुद्दों पर वोट करना चाहेगी? यहाँ पे देखिए जो अभी मोतियाबिंद का इलाज है, और हमने नेत्र शिविर लगवाया, रक्तदान शिविर लगवाया, उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में भी शिविर लगवाया, उसमें सभी को फायदा पहुँचा। इस मुद्दा को हम लेकर के ग्रामीणों से मिलेंगे वोटिंग के लिए, उनसे अनुरोध करेंगे। और मैं ऐसा भी व्यक्त करता हूं कि आने वाले चुनाव में इस बार निश्चित ही संपत अग्रवाल जी ही विजय सिर प्राप्त करेंगे, इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा जय संपत तय संपत। जी मेरा नाम राधे श्याम साहू है, मैं ही पिरदा का निवासी हूं। आने वाले समय में प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है, क्या लगता है आपको? आने वाले समय में जिस तरह से नीलांचल सेवा समिति के कार्य चल रहे हैं, हमारे बसना विधानसभा में भाजपा ही हो सकती है, भाजपा ही बनेगी। नीलांचल सेवा समिति के कार्य बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, हॉस्पिटल गरीबों के लिए बहुत ही सेवा कार्य किए हैं, जिससे कि भाजपा की टिकट भी इनको मिलेगी। तो यहाँ भाजपा की सरकार तो फिक्स है अपने बसना विधानसभा। अच्छा, बसना विधानसभा से बोल रहे हैं कि आप भाजपा के विधायक चुने जाएंगे? जी। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? क्या आते जाते हैं क्षेत्र में, दौरा रहता है उनका? नहीं, हमारे पिरदा साइड तो उतना वो नहीं है, अभी कहीं भी कोई सील वैसे कार्य हमारे इधर तो नहीं हुआ है जिससे कि हम उनके बारे में कुछ कर सकें। बाकी अभी विधानसभा में हमारे संपत जी ने जो कार्य किया है उनसे तो भाजपा के तरफ से टिकट मिलेगा, तो उनको फिक्स है कि वो यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी। ठीक है, तो आने वाले समय में क्या मुद्दे रहेंगे, ऐसा कुछ है आपका? जी नहीं, उतना तो अब कार्य का क्या मुद्दा रहेगा मतलब? हाँ, कार्य तो सब अच्छा कर रहे हैं वो संपत जी, तो उनसे कोई तो नहीं है कि जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं गरीबों के लिए निशुल्क में, फिर बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से भी बहुत सेवा कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मनीष कुमार नाग है और मैं पिरदा का निवासी हूँ। क्या काम करते हैं? जी मैं एल्यूमिनियम का काम करता हूँ। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। हाँ जी। बसना क्षेत्र में कैसा विधायक चाहिए आपको? बसना क्षेत्र में हमारे संपत भैया के जैसे विधायक चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। जैसे एक दो कार्य का नाम बता सकते हैं? जैसे कि बालाजी हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज करवा रहे हैं, और हर जगह कहीं पर भी कुछ भी प्रतियोगिता हो रहा है, खेल हो रहा है, सब में भागीदारी होकर युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का प्रेरणा दे रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि संपत भैया ही आने वाले समय में। आपको किसी तरह का लाभ मिला है नीलांचल सेवा समिति से? जी नीलांचल सेवा समिति से तो बहुत सारा लाभ मिला है। अच्छा, पिरदा में मतलब नीलांचल के कितने समर्थक होंगे यहाँ? ज्यादातर 70% है। अच्छा, नीलांचल? हाँ, हाँ। नीलांचल से ही ज्यादातर है हमारे यहाँ, मतलब 80 और धीरे धीरे कोशिश हो रहा है कि वो 90 भी जाएगा, 100 भी जाएगा। हमारे इधर नीलांचल सेवा समिति का ही कार्यकाल है पूरा। अच्छा, कांग्रेस का क्या हाल है आपके इस गांव में? कांग्रेस देख ही तो रहे हो अभी, पूरा सब तरफ कांग्रेस का कोई कार्य नहीं है अभी तो फिलहाल। जो पहले जैसा बेरोजगारी भत्ता बोले थे, नाम मात्र का बेरोजगारी भत्ता निकाल दिए,
जितने भी बेरोजगार हैं किसी को कोई अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। पीड़िता में ग्राम पंचायत में अवसर क्या क्या विकास कार्य नहीं हुआ है जिनकी आवश्यकता है गाँव वालों को, कुछ काम रुका हुआ हो? बहुत सी रोड बहुत खराब है अभी भी, वो मतलब कि रोड का ज्यादा दिक्कत जिसमें कांग्रेस की सरकार बन के भी उसको अभी तक बना नहीं पाई है। रोड बहुत खराब है हमारे पीड़िता का, झगरेंडी मार्ग पेट्रोल पंप जाते तो बहुत खराब है। उधर का किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? अब जिसकी सरकार है उसी को मानते हैं हम, जिन्होंने बनाएंगे बोले वो बना नहीं रहे हैं। किसानों के लिए जैसे कि समर्थन मूल्य में धान दिया, वादा किया, इसको कैसे देखते हो आप लोग? आप लोग भी किसानों हैं शायद। किसानों के लिए अब उतना हम खेती किसानी उतना नहीं करते, लेकिन फिर भी जो किसानों के लिए काम मतलब कि वो लास्ट टाइम में कर रहे हैं, लास्ट के 4-5 साल में वो काम को करना शुरू किए हैं। शुरू में जो बोल दिए थे शुरू से तो दिए नहीं किसानों को, अभी वोट आ रहे हैं इसीलिए वो कर रहे हैं कि ताकि फिर से अपना वो बनाने के लिए। मैं पीड़िता से हूँ, दिलीप सागर। क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा दुकान है यहीं पर बाजार चौक में पीड़िता के। अच्छा, आपके पास तो सैकड़ों लोग आते होंगे दिन भर में। हाँ आते हैं ना। आने वाले दिनों में चुनाव है विधानसभा। हाँ, क्या स्थिति है यहाँ, किसकी सरकार बनेगी? यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, यहाँ पर उनका पहले से चलता है कांग्रेस का, और उनका पकड़ भी अच्छा है, उनका काम भी अच्छा है, हम कांग्रेस सरकार से बहुत खुश हैं। क्या बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी है? नहीं, बीजेपी से कुछ नाराजगी तो नहीं है, लेकिन हम लोग पहले दादा परदादा से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का काम हमें बहुत पसंद है। अच्छा, अभी क्षेत्र में कांग्रेस सरकार क्या विकास कर रही है, किसानों को क्या दे रही है, युवाओं को क्या दे रही है? युवाओं का उतना तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन किसानों को क्या दे रही है? किसानों को जो वादे किया था कांग्रेस सरकार ने वो सब दे रहे हैं। बसना विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस से किसको टिकट मिलना चाहिए? अब उसके बारे में तो नहीं सोचे हैं जी, लेकिन कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार होगा वो अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे। अच्छा जी। पार्टी जो भी उठाएगी कांग्रेस सरकार। राजा साहब विधायक हैं हाँ। तो उनके कार्यकाल से आपको कैसे संतुष्ट? नहीं, खुश हैं राजा साहब से, बहुत मिलनसार प्रियजन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं और अच्छा से काम कराते हैं।